Hello students, hope you are all right. So let's start our lesson today. So today we are going to start block 10, that is metaphor, and lesson plan 1 is here for you, identifying metaphors. So let me tell you what is metaphor. A word or phrase that is used in imaginative way to show that somebody, something has the same qualities as another thing. मेटाफर एक वर्ड या एक फ्रेज़ होता है जिसमें ये शो किया जाता है कि इमेजिनेटिव तरीके से कि किसी चीज़ में किसी दूसरी चीज़ की तरह सेम क्वालिटीज़ हैं. लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल, हर वर्ड्स फॉर अ नाइफ इन इज हर्ट, कि जो उसके जो शब्द थे बोले हुए वो चाकू की तरह थे. चाकू, नाइफ जो होता है वो शार्प होता है, तो जब किसी की कही हुई जो बिटर थिंग्स होती हैं, कड़वी बातें होती हैं, हमें बुरी लगती हैं, तो हमारे दिल में एक नाइफ की तरह छुपती हैं. So you will be able to identify metaphors in a text and explain their uses. So let's start. Okay, let's have a look at this sentence. Time is money, you are my sunshine, he has a heart of stone. So what do these sentences mean to you? Time is as valuable as money. अगर हम कहते हैं कि time is money, मतलब time उतनी ही valuable है जितनी की money है. You are my sunshine, you are very important to me, or you make me happy. ही इज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका पत्थर का दिल है, बोलते हैं हम कई बार, उसका सोने का दिल है, उसका पत्थर का दिल है. ही इज़ वेरी हार्ड हार्टेड और ही हैज़ नो लव इन इज़ हार्ट, इसका मतलब है कि उसका जो दिल है बहुत ही हार्ड है, कोई प्यार नहीं है उसके दिल में. ऑफ कोर्स टाइम इज़ नॉट रियली मनी, अ पर्सन कैन नॉट एक्चुअली बी सनशाइन, एक पर्सन कैसे सनशाइन हो सकता है, और टाइम मनी तो नहीं हो सकता. एंड नो वन रियली हैज़ अ हार्ट मेड ऑफ स्टोन, क्या सच में ऐसा होता है किसी का हार्ट स्टोन का बना हुआ, ऐसा तो नहीं होता. सो दीज आर कोल्ड मेटाफर्स, क्योंकि हमने मनी वाली क्वालिटी टाइम को दे दी है और स्टोन वाली क्वालिटी हर्ट को दे दी है. सो दीज आर कोल्ड मेटाफर्स एंड इन देन वी यूज़ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स टू डिपिक्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ मोर क्लियरली. हम इनमें अगर ये फीलिंग शो करना चाहते हैं, हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं. या वी कैन ईजिली इमेजिन यूजिंग मनी, सनशाइन एंड स्टोन फॉर प्रॉस्पेरिटी. सनशाइन हैप्पीनेस के लिए यूज़ होता है. एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टोन, स्टोन मीन्स लैक ऑफ कंपैशन, जिसमें कोई दया ही नहीं होती है रिस्पेक्टिवली. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम टू सी हाउ अ पोएट यूजेस ऑब्जेक्ट्स टू डिपिक्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और इमोशंस, कि जो पोइट है वो कैसे एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है इमोशंस को शो करने के लिए. तो टेक आउट द पोएम एट पेज नंबर 67, ब्लॉक 10, दैट इज मेटाफर. अ पॉइजन ट्री, पॉइजन मीन्स जहरीला, एक जहरीला पेड़. सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक. सो लेट मी टेल यू बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, दिस पोएम इज़ एक्चुअली अबाउट एंगर, ट्री ऑफ एंगर. Now the poet says, I was angry with my friend. मैं अपने friend से गुस्सा था. I told my wrath did anger. Wrath means extreme anger. कि जब मैंने अपने friend को अपने गुस्से के बारे में बताया, अपनी नाराज़गी जाहिर की, तो मेरा गुस्सा शांत हो गया. Actually daily life में भी ऐसा होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, कई बार जब आप किसी के साथ नाराज़ होते हो और उसे अपनी नाराज़गी जाहिर कर देते हो, तो आपका गुस्सा ख़त्म हो जाता है. I was angry with my foe. और वह मैं अपने दुश्मन के साथ गुस्सा था. आई टोल्ड इट नॉट माई रैट डिड ग्रो, और मैंने उसे नहीं बताया और ये मेरा एंगर बढ़ता गया. और बढ़ बढ़ के क्या हो गया, जैसे कि एक छोटा सा पेड़ होता है, हम बीज डालते हैं ज़मीन में और वो पेड़ पानी डालते हैं, उसमें उसको सनशाइन मिलती है तो पेड़ बड़ा हो जाता है. तो ऐसे ही जो मेरा गुस्सा था मेरे दुश्मन के लिए वो बढ़ता गया क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया. सो अगर हम किसी से नाराज़ हैं, अपना गुस्सा बता देते हैं, तो वो गुस्सा ख़त्म हो जाता है. और अगर हम अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते हैं, नाराज़गी जाहिर नहीं करते, तो गुस्सा एक जहरीले पेड़ की तरह बढ़ता जाता है. एंड आई वॉटर्ड इट इन फियर्स, और मैंने इसे पानी दिया. जैसे पेड़ को बड़ा करने के लिए पानी देने की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, तो मैं माइंड जो है स्ट्रेसफुल हो जाता है. जब हमारे माइंड में कोई बात होती है, किसी से गुस्सा होते हैं, तो माइंड स्ट्रेसफुल हो जाता है. और सो मैं इस पेड़ को दिन रात बढ़ाता गया, नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, और मैं रोता रहा. एंड आई सर्नड इट विद स्माइल्स, और मैं झूठी स्माइल शो करता रहा. जैसे पेड़ को बड़ा करने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, तो मैं अपने दुश्मन की तरफ झूठी
झूठी स्माइल देता रहा एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वॉइस में चाले और मैं चाले चलता रहा। क्योंकि इसे गुस्सा होता है तो हम खाली अपने दुश्मन को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जो माइंड है बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, और ये दिन रात भरता रहा, टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट। तो एप्पल यहाँ पे जो शो किया गया है पेड़ के लिए एक मेटाफर सिंबॉलिक पोएम है, जैसा मैंने आपको बताया कि एप्पल का मतलब है कि गुस्से वाले पेड़ में जो एप्पल लग गया था। एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन, और मेरा जो दुश्मन था, मेरा जो एनिमी था, वो उसको देख रहा था चमकते हुए। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, और उसे पता था कि एप्पल मेरा है। एंड ही वॉन्टेड टू ईट दैट एप्पल, वो उस एप्पल को खाना चाहता था। तो एप्पल यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया है इसका। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट कि गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसमें फ्रूट लगने लगे, वो गुस्से का पेड़ इतना बड़ा हो गया कि उसमें रेड एप्पल लगने लगे। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल वेन द नाइट हैड वील्ड दिस पोल, पोल मीन्स अर्थ, वील्ड मीन्स कवर्ड, मतलब यहाँ पे जब पोइट कहते हैं जब रात हो गई थी तो मेरा जो एनिमी था वो गार्डन में घुसा बिना परमिशन के। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, और सुबह देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, माई फो आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री, और वो पेड़ के नीचे, जहरीले पेड़ के नीचे वो डेड पड़ा हुआ था। सो दिस इज़ अ वेरी मीनिंगफुल पोएम। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट इफ यू आर एंग्री विद समवन, जस्ट टेल योर एंगर टू योर फ्रेंड और एनिमी। अगर आप किसी से गुस्सा हैं तो अपनी नाराज़गी जाहिर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ या आपका जो भी एनिमी है, ताकि आपका गुस्सा ख़त्म हो सके। वरना खाली गुस्से से हमारे माइंड में स्ट्रेस बढ़ता जाता है और चीज़ें जो है गलत फहमियाँ, मतलब मीन्स एंगर जो है मल्टीप्लाई होता जाता है आपका। सो इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, एंगर इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, गुस्सा जो है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। एंड व्हेन वी गेट एंग्री, जब हम गुस्से में होते हैं, वी डू रॉन्ग थिंग्स, हम रॉन्ग थिंग्स करते हैं, हमारा बिहेवियर गलत होता है। सो एंड इन डे टू डे लाइफ यू हैव सीन मैनी केसेज दैट यू हियर इन द न्यूज़ दैट ही हैज़ कमिटेड सुसाइड एंड दिस थिंग हैपन। सो वाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज देयर माइंड इज स्ट्रेस्ड, दे आर नॉट एबल टू टेल देयर एंगर, टेल देयर फीलिंग्स टू समवन, वो अपनी बातें किसी को बता नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, माइंड में स्ट्रेस होता है। सो दिस इज़ वेरी मीनिंगफुल पोएम। सो स्टूडेंट्स नाउ टेल मी, what metaphor did you underline in the poem and what do they depict in the poem? The metaphor in the poem are sunning the tree with smiles, watering the tree with fears and tears, and the poisonous apple of the tree. ये metaphor है यहाँ। Poison is a metaphor for anything harmful caused by hatred or wrath. So poison का meaning क्या होता है, जहर होता है। तो गुस्सा जो है एक जहर का ही काम करता है यहाँ। That's why the poet has taken poison as a metaphor. The poison tree is used to depict the poet's anger. जो poison tree यहाँ पर use किया गया है poet के जरिए, उसमें जो है उसका गुस्सा show किया गया है। And hatred or wrath towards his enemy, और उसके दुश्मन के लिए जो उसके मन में गुस्सा है, नफरत है। Here the tree is a metaphor for the poet's feelings that lets grow. और tree जो है metaphor है poet की feelings के लिए, कि जो जैसे tree बढ़ता जाता है उसका गुस्सा भी ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। Why do poets use metaphors in poem? Poets metaphor use क्यों करते हैं? Poets use metaphor in the poems to give more clarity about what they are feeling or experiencing, ताकि reader को एक ज़्यादा अच्छी clarity मिल सके कि वो क्या experience कर रहे हैं, क्या feel कर रहे हैं। By using a metaphor they can create a picture in the minds of their readers, और metaphor के जरिए जो है हमारे mind में एक picture बन जाती है। Metaphors help the readers to visualize what exactly the poet is trying to convey, in this case anger towards an enemy. मेटाफर के यूज से रीडर को विजुलाइज़ कर सकता है कि एक्चुअली पोएट क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहा है। तो हमें इससे पता चल गया है पोएम में कि जो है एनिमी के लिए गुस्सा यहाँ पे शो किया जा रहा है। मेटाफर्स आर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विद सम सिमिलैरिटी टू द फीलिंग दैट द पोएट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस। मेटाफर जो है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से शो किए जाते हैं। वी कैन नॉट सी द फीलिंग्स ऑफ एंगर, हम गुस्से को नहीं देख सकते हैं, हैप्पीनेस को नहीं देख सकते हैं, जेलसी को नहीं देख सकते, बट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्री, कि जैसे ट्री बढ़ रहा है ऐसे गुस्सा बढ़ रहा है, सन और आर डेविल, विच कैन बी यूज्ड एज मेटाफर फॉर दीज थिंग्स। मेटाफर्स कैन ऑल्सो मेक द पोएम साउंड मोर इंटरेस्टिंग। सो हाउ वुड द पोएम बी डिफरेंट इफ द पोएट हैड नॉट यूज्ड मेटाफर्स, अगर पोएट ने मेटाफर्स यूज नहीं किए होते तो पोएम जो है ये कैसे डिफरेंट होती? वट अदर इमोशंस कुड अ ट्री रिप्रेजेंट, और ट्री के जरिए हम कौन से रिप्रेजेंट शो कर सकते हैं?
Without the tree as a metaphor, the poem would only describe feeling, which could be very difficult for reader to imagine or visualize. अगर यहाँ पर ट्री का यूज़ नहीं किया होता तो रीडर के लिए जो फीलिंग्स को इमेजिन करना मुश्किल होता. इट वुड प्रोबेबली ऑल्सो भी लेस इंटरेस्टिंग, शायद ये कम इंटरेस्टिंग होती है. ट्री कुड रिप्रेजेंट लव और फ्रेंडशिप एज वेल, बिकॉज दीज थिंग्स ऑल्सो ग्रो एंड नीड अवर अटेंशन टू नरिश. क्योंकि जो फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती, लव, इसमें भी हमें प्यार की, केयर की जरूरत होती है, तब हम इसको बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. सो नाउ टेक आउट योर वर्कशीट S1 एट पेज नंबर 45, आइडेंटिफाइंग मेटाफर्स. अंडरलाइन द मेटाफर्स इन द स्टोरी. The story I'm going to read, you have to underline the metaphors. The haircut, anonymous. When I woke up on Saturday, Mom said I was a sheep dog with a long shaggy hair and that it was time for me to get a haircut. जब मैं सुबह उठा तो मम्मी ने कहा कि मैं sheep dog लग रहा हूँ, मेरे बाल जो बहुत गंदे लग रहे हैं, मुझे हेयर कट कराना चाहिए. When I looked at her, she was a zebra. जब मैंने उनकी तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे जेब्रा है. Half hidden behind the drapes of my overgrown bangs. I couldn't help it. I laughed. She was right. My hair had to be cut. कि मेरे हेयर्स को कटिंग की ज़रूरत थी. The barber's chair was a tower. बार्बर की चेयर को क्या शो किया गया, टावर थी, इतनी बड़ी थी. And he pumped it higher and higher. देखते हो ना, बार्बर की शॉप पे जाते हो उसे ऊंची भी कर सकता है, नीची भी कर सकता है. It didn't really mind. I was on explorer. Looking at the world in a whole new way, the pieces of hair on the floor were an exotic carpet of strange brown fibers that crisscrossed in a crazy pattern. The floor was an odd new planet and I was an astronaut looking down the above. The barber pumped the chair again and I was a rocket coming back down to land. I couldn't believe the adventure was over so soon. On the way home, we stopped at the shop to buy some milk. हम कुछ दूध खरीदने के लिए रुके. Unfortunately, there was an amazing sale going on there. We were tiny fish swimming in a sea of people. कि हम ऐसा लग रहा था छोटी छोटी मछलियाँ हैं जैसे लोगों के समुद्र में. Couldn't wait to get out of there and go home. The drive home was a frustrating experience because the holiday traffic had turned the street into a parking lot. I hope it's a long time before I'm a sheep dog again. Read the sentences and explain what the metaphor compare and why. My dad is a bear in the morning. कि मेरे dad भी bear की तरह लगते हैं, भालू की तरह. Before he drinks his coffee. So इसमें क्या compare यहाँ पे किया गया है, dad to a bear. किसको इसे compare किया गया है, dad is being compared to bear. Because looking grizzly, feeling grumpy. The wind was an angry witch. जो हवा है वो गुस्से वाली witch लग रही थी. Howling across the night sky. जब हवा तेज चलती है तो आवाज़ आती है. So wind is compared to a witch. Why? Because wind is too strong. Causing destruction. तबाही करती है. Playing evil. When it was her turn to dance, Meena was a graceful butterfly flitting across the stage. So Meena is being compared to butterfly because dancing or moving as lightly as a butterfly.